अच्छा देखो, मैंने कुछ आइडियाज आपने दिए। पाकिस्तान दुनिया का फाइनेस्ट लेदर होता है, क्या एक कंपनी पाकिस्तान की आप मुझे बताइए जो लेदर के स्ट्रैप्स बनाती हो। मैंने $28 का एक स्ट्रैप लिया, अपनी वॉच का भी नहीं है मेरे पास, $28 यार कितने पैसे बनते हैं, 4,000-4,500 का लेदर स्ट्रैप लिया मैंने। क्यों? कुछ भी नहीं है, मैंने $180 का स्ट्रैप लिया। नहीं वो बहुत महंगे महंगे थे, मैं थोड़ा शेख आदमी हूँ, $28 लेकिन फिर भी $5,000 की हिसाब से आपको लेना पड़ेगा। तो एक दुनिया में पाकिस्तान में कोई एक ब्रांड हो जो कस्टमाइज स्ट्रैप देता हो, कोई नहीं। अच्छा मुझे ये बताइए, वो बोलते हैं ना वो कुत्ता कुत्ते का पटा, क्या शालकोट के अंदर ऐसी की वेबसाइट है जो लेदर स्ट्रैप्स फॉर डॉग्स बेचता हो और पता है कितनी सेल है इसकी? यू हैव नो आइडिया। हर गोरे के पास एक कुत्ता होगा और उस कुत्ते को एक स्ट्रैप पहना होगा, ठीक है, और उस स्ट्रैप के ऊपर एक टैग लगा होगा। ओके लेट्स गो टू द एटसी पे मैं आई, यहाँ पर आके लिखा लेदर स्ट्रैप्स फॉर डॉग्स, डॉग कॉलर्स बोलते हैं इसको, ले जी लेदर स्ट्रैप फॉर डॉग्स भी आगे आपके सामने, ये देखिए सब लोग बेच रहे हैं। कितने का बेच रहा है? $34 का। ये एक लेदर स्ट्रैप, ये लेदर स्ट्रैप है, ये 180 तो बिके होंगे कम से कम, ये शायद ज्यादा, आप मल्टीप्लाई कर दो। एक लेदर स्ट्रैप्स डॉग्स, ये एक सेलर की सेल है, ठीक है। अब इसे क्या बोलते, क्या बोला जी कीवर्ड आपने? डॉग कॉलर। लेदर में लिखे टोटल सर्चेस कितनी है ग्लोबल? 36.0K यार। इधर हम लोग क्या करते हैं, पढ़ी काट दो लेदर भी असी बनाने बेल्ट, केड़ी बेल्ट जड़ी को भी बन जाएगी, लिटरली आंसर होता है। मैं एक अपना लॉन्च कर रहा हूँ, देखो ये ओपनली है, ओपनली शेयर कर रहा हूँ, मुझे डर नहीं है, मैंने इस पर रिसर्च की है 6 माह की रिसर्च शेयर करूँ, आप अपनी शेयर करोगे? आप लोगों की ना हवाइयां उड़ने वाली है, जो मैं अभी आपको बोलने लगा। ये कंपनी है, एक कंपनी एक माइक्रो निश पे काम करती है, 49,000 ऑर्गेनिक ट्रैफिक, खुदा की कसम सियालकोट में जो टूल बन रहे हैं यहाँ पर, अब मैं वेबसाइट खोलने लगा, 49,000 उसकी सर्चेज हो ना, मैं आपको इसका बिजनेस दिखाने जाऊँ। ये $1 million कंपनी है, दिस इज $1 million कंपनी। करना क्या है? अच्छा ये जो उसका नाम देखो क्या है, सिक्योर भी नहीं है, बेल्ट और टूल बेल्ट बेच रही है, जैकेट्स बेच रही है। आप क्या करो, माइक्रो निश का आइडिया कैसे आना, इसको नहीं मार सकते आप इमीडिएटली। आप ऐसा करो, पेंटर्स टूल बेल्ट्स, कारपेंटर्स टूल बेल्ट्स, इलेक्ट्रिशियंस टूल बेल्ट्स, ठीक है। आप लोगों से कभी किसी ने सोचा कोई इधर एसोसिएशन होनी चाहिए? वसीम आपकी वेबसाइट पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितनी है? 10K की करीब, और इज अ मिलियनर गाय, ये मिलियनर डॉलर गाय है जिसकी ये कंपनी है। ये आप ना कुछ ना करो, ये एक कैटेगरी पकड़ लो और फ्रांस में बेचना शुरू कर दो, जर्मनी में बेचना शुरू कर दो, रशिया में बेचना शुरू कर दो, अरबी में वेबसाइट बनाओ, तुर्किश में बनाओ। शहर में इंडस्ट्री बंद हो रही है, बड़ी खाल जो 5,000 की थी 1,000 में कोई नहीं ले रहा, रीजन क्योंकि आप लोग काम नहीं कर रहे हो। मैन्युफैक्चरर वहां पर मौजूद है, टैलरी वाला वहां पर मौजूद है, लेकिन जो इस मुल्क का मुस्तकबिल है नौजवान, वो ग्रेजुएशन करने के बाद कनेडियन इमिग्रेशन लेने के चक्कर में है, वो सऊदीया जा रहा है, वो दुबई जा रहा है, जो हम इंसान नहीं समझते माजरत के साथ, हम तो उन्हें आला मुसलमान समझते हैं, वो हम इंसान भी नहीं समझते, वहां जाके उनकी सर्विंग करना चाह रहे हैं। पर यहाँ पर लॉबी ये है कि पाकिस्तान के अंदर सियालकोट के अंदर सिस्टम ये था कि कुछ लोग, आप इसको बेहतर तौर पे जानते हैं, मेजरली चाइनीज, यहाँ चाइनीज ने अपने एजेंट बिठाए हैं यहाँ पर जो खाल उठा लेते हैं और किसी दूसरे को उठाने नहीं देते। खाल जा रही है आज भी, लेकिन क्या है, अपने दामों पे उठाने के लिए मार्केट में किसी दूसरे को उठाने नहीं देते, इसलिए कंपटीशन नहीं होता। यहाँ पर एजेंट्स बिठाए हैं, उनकी शक्ल भी मेरे जैसी होगी, नाम भी मेरे जैसे ही होगा, लेकिन वो चाइनीज एजेंट होंगे। यहाँ पर किसी और को खरीदने नहीं देंगे और मोनोपोलाइजेशन करेंगे और फिर सस्ते दामों सब खरीद लेंगे। अगर हम लोग लोकल इंडस्ट्री, ये मैं ये समझता हूँ, ये लोकल इंडस्ट्री के सर्वाइवल की जंग है। आप ये बनाते हो प्रोडक्ट्स डायरेक्टली कंज्यूमर्स को बेचते हो, यार आप एक हैंडल कर, दुनिया में कितने कारपेंटर्स होंगे, टेल मी, लाखों, कितने वेल्डर्स होंगे, लाखों, कितने ये जो कार रिपेयर मैकेनिक्स हैं, लाखों, आप उनके लिए कस्टमाइज बेल्ट बनाओ, वेबसाइट खड़ी करो, वो लगाओ, क्यों नहीं ऑर्डर आएंगे आपके? खैर आगे आ जाइए, एड्स लगाओ, ये मैंने लेदर कवर्स, मोबाइल कवर्स बेचो यार, इतने महंगे बिकते हैं आज भी ओरिजिनल लेदर की। आगे आप आइए, मैं लेदर पिलोज देख रहा था, आप कह रहे हैं ना कि वो शेप लेता कोई नहीं, अभी कितनी सॉफ्ट होती है, सिर्फ कुछ ना करें हम लोग लेदर के पिलोज बेचना शुरू कर दें यार, लेकिन वो लेदर पिलो लिखे, मैं लिखूं सर्च करूं यहाँ पर, कितनी सर्च है यार लेदर की, ये देखे मसाल, ये जो सारे कीवर्ड्स को मिलाना है
इज फॉर अंडरस्टैंडिंग द होल निश उस कीवर्ड के इर्द गिर्द। ये देखो कितने 1815 कीवर्ड्स हैं, आपस में मत कोई कंपटीशन हो ही नहीं सकता। और कितने 32,250 की मतलब उसकी सर्चेज हैं, क्यों नहीं बेचते हम लोग। और यहाँ पर ना एक चीज और, अभी मैं कुछ और चीजों के नाम ले लूं फिर मैं आपस में आऊंगा। कस्टमाइज टैग्स हैं लेदर के, डॉग्स के लिए लेदर सॉक्स हैं, ठीक है, लेदर की आपकी प्लेट्स हैं इवन, ये जो बड़ी खूबसूरत। और सबसे बड़ी बात ये है, Etsy.com पे चले जाओ, Etsy.com पे चले जाओ, लेदर लिखो एंड यू विल स्टार्ट फाइंडिंग निशेज, माइक्रो निशेज। ये भी पता चल जाएगा कौन सी प्रोडक्ट कितने में बनी, कितने में बिकी, और आप सिंपल उसको कॉपी कर लो। सक्सेस इज सिंपल कॉपी एंड पेस्ट। आखिरी जो रीजन बयान करने लगा, हम लोग कामयाब क्यों नहीं होते, जरूरत कहा करते थे, दमाद खेत से बड़े गन्ना पसंद नहीं आता। हम हर एक दूसरे से पूछ रहे यार मैं ई-कॉमर्स चाहने की, तो भाई जो भी रैंक हो जाएगी ना चीज, जो रैंक है वो बिकता है। हाँ उसके अंदर सिलेक्ट कर लो हाई मार्जिन वाली, जो कोई नहीं कर रहा वो करो। हम लोगों ने एक आइडिया पे काम किया, जीन्स, ये पिछले कुछ अरसे से अमेरिका में ये कॉन्सेप्ट बाइकर जीन्स जो है बड़ा पॉपुलर हो रहा है। जब मैंने सोचा था तब उसकी 18,000 सर्चेस थी, अभी देखते हैं कितनी है, 18,000 और टोटल इस टाइम ये देखिए 73,880। यार कोई नहीं, सिंपल जीन्स है, सालकोट में जीन्स बनती है, लेकिन उसका थोड़ा सा डिजाइन डिफरेंट है, बेचो, कोई कंपटीशन नहीं आपका। और आखिरी चीज, कोई एक पकड़ लो निश, उस पर डोमेन सिंगल पेज, बहुत सारी प्रोडक्ट्स में नहीं पढ़ना, बहुत सारे निशेज में नहीं पढ़ना, माइक्रो निश एक सिलेक्ट करो, लेकिन आप उसके इंटरनेशनल लीडर बन जाओ। सो दैट्स फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन।